जिस तरह से सचिन के लिए लप्पू सा और झिंगुर बोला गया है, तो इसको लेकर मीणा समाज क्या सोचता है? अब देखो, उनने उल्टा सीधा बोला, गलत बोला है वो। सही, जिन्होंने सचिन को झिंगुर सा और लप्पू सा बोला है, तो ऐसा कुछ है? देखो, बोला तो उसने गलत ही भाई, किसी आदमी को अपनी तरफ भी देखना चाहिए। देखो जी, कुछ लोग तो होते ही हैं हर जगह जो सपोर्ट में नहीं बोलते। सचिन के लिए लप्पू सा बोला गया, झिंगुर सा बोला गया, इस तरह के सामाजिक दबाव में वो कैसा महसूस कर रहा होगा? देखो जी, ये तो गलत है, किसी को गलत बोलना, कोई भी सही, मैं किसी के लिए गलत बोलूं तो अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं इस समय रबूपरा कस्बे में हूं, और रबूपरा कस्बे में जैसा कि आपको पता होगा, पिछले काफ़ी समय से सीमा हैदर और सचिन को लेकर मामला गरमाया हुआ है। काफ़ी मीडिया का जमावड़ा भी रबूपरा कस्बे में रहता है, और कुछ लोग हैं जो सीमा हैदर का विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सीमा हैदर और सचिन के पक्ष में। जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनके द्वारा जो ये मामला है, लगभग दो धड़ों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। आज हम मीणा समाज के बीच में है, मीणा समाज के लोगों से बात करेंगे और उनकी राय जानना चाहेंगे कि सीमा हैदर और सचिन के बारे में उनकी क्या राय है, क्या सीमा हैदर को रबूपरा कस्बे में ही रह जाना चाहिए, या उनकी हैबिट कैसी है, किस किस तरह की, बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में होने वाली हैं। तो मेरे साथ इस समय रबूपरा कस्बे में ही है और सीमा हैदर के बिल्कुल पड़ोसी हैं। नाम क्या सर आपका? छोटन नाम है जी मेरा। छोटन नाम है। अच्छा, आपका घर सचिन के घर से कितनी दूर है? लगभग समझो जी, कोई 10-20 घर छोड़ कर नहीं आए। 10-20 घर छोड़ कर, कुल मिलाकर 10-20 घर का जो डिफरेंस है वो कुछ भी नहीं होता गांव देहात में। आपको सीमा हैदर की एक्टिविटी अभी तक कैसे लगी, मतलब जासूस लगती है? देखो जी, जासूस तो नहीं लगती, उसकी बोल चाल, ढाल चाल चलन तो हमें ऐसा लग रहा है बिल्कुल भारत जैसा ही, जैसा भारत में परंपरा है, कपड़ा लत्ता पहनते हैं, बोलते चलते हैं उसी ढाल पे, और आगे कि कोई पता नहीं है। देखो, जो जो भी उसके मन में है वो तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ की यह नहीं है, तो पाकिस्तान की। हाँ जी। आगे हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ये है, जो भी करेगी सरकार करेगी, अगर ठीक है तो सरकार उसे क्लीन चिट देगी, अगर ठीक नहीं है तो सरकार उसे जिस तरह से भी इनवाइट करेगी, सरकार करेगी। अच्छा, सरकार जानेगी। अच्छा, हमने ये सुना था कि जो मीणा समाज है वो भी दो धड़ों में बटा हुआ है, या पूरा मीणा समाज सचिन के साथ है? देखो जी, कुछ लोग तो होते ही हैं हर जगह जो सपोर्ट में नहीं बोलते, और कुछ लोग होते हैं जो सपोर्ट में बोलते हैं जी। तो ये तो सब जगह होता है जी। वैसे तो, वैसे सचिन तो जैसा अभी तक हमने देखा है, बात भी की है, तो बड़ा सीधा सा लड़का है। हाँ। तो ऐसे लड़के पर इस समय जैसे कि एक जो सामाजिक दबाव है, सचिन के लिए लप्पू सा बोला गया, झिंगुर सा बोला गया, इस तरह के सामाजिक दबाव में वो कैसा महसूस कर रहा होगा? देखो जी, ये तो गलत है, किसी को गलत बोलना, कोई भी सही, मैं किसी के लिए गलत बोलूँ तो अच्छा नहीं लगता है। वो चक गलत है, सही है, या कुछ भी है, या जैसा भी है, झिंगुर है या लप्पू है, कुछ भी है, हम क्यों बोलें उसके लिए गलत? तो गलत बोलना नहीं चाहिए, किसी के भी लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। वो जैसा भी है वैसा अपने लिए ठीक है, या फिर सचिन जैसा भी है सीमा के लिए सही है, सीमा के भर रहा है तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है, लेकिन हम क्यों गलत बोले? और बहुत बड़ी बात ये होती है कि जो इंसान जैसा भी ईश्वर ने बनाया है उसमें तो कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। हमको भी जैसा ईश्वर ने पैदा किया हम भी ऐसे हैं, इनको जैसा पैदा किया ये भी ऐसे ही है। इस तरह से किसी का अगर मजाक उड़ाया जाए, किसी के लिए अपशब्द बोला जाए, या किसी की तुलना किसी जीव जंतु से की जाए, तो इनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस तरह से जो है वो गलत है। अच्छा, आप ये और बताएं थोड़ा सा कि सचिन और सीमा घर से बाहर निकलते हैं ना निकलते? देखो जी, घर से बाहर नहीं निकलते, उनकी सिक्योरिटी लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है। पुलिस रहती है 24 घंटे? पुलिस रहती है जी। रात में भी रहती है? रात दिन रहती है जी। अच्छा। हाँ, पुलिस वाले रात को भी दिन को भी रहते हैं हर समय, ना कोई जाता नहीं कोई आता, उनके वकील ने ना ही करी हुई है, किसी मीडिया वाले से बात नहीं करनी, किसी से वैसे नहीं मिलना जुलना है, तो इसलिए वो बाहर नहीं निकलते हैं। सचिन सीमा दोनों ही अंदर रहते हैं, और बच्चे भी बाहर सामान लेते हैं, सामान चीज बत लेने के लिए आ जाते हैं, गोद में लेके आ जाते हैं उनके घर वाले, तो बच्चे तो आ जाते हैं बाहर, लेकिन सीमा बाहर नहीं आती है। अच्छा, माहौल जो पड़ोस है, जैसे आपका भी घर पड़ोस में ही है, तो पड़ोस में चर्चा क्या है, मतलब लोग डरे हुए सहमे हुए या एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं? देखो जी, ये तो ये है कि अभी कुछ भी मोहल्ले वाले बिरादरी वाले कुछ बोल नहीं सकते, कब तलक, जब तलक क्लीन चिट नहीं मिलती है। मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे भाई विदेशी महिला पाकिस्तान की महिला है सीमा हैदर, ये तो जाहिर है, तो मोहल्ले वाले मतलब डरे हुए हैं, या जैसे अपना पहले से टाइम बिताते आ रहे हैं, जैसे रहते आ रहे हैं वही माहौल है मोहल्ले में? नहीं, डर तो किसी भी तरह का नहीं है। क्यों नहीं है डर का? हमारे यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं हुई है आज तक, हिंदू मुसलमान भी नहीं हुआ है कभी, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ना डर है ना दहशत है किसी बात की भी, लेकिन ये है कि ये सरकार के निर्भर है, जैसे भी सरकार करेगी वैसा होगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है।
अगर सही है तो सही क्लीन चिट मिलनी चाहिए, और सही नहीं है तो उनको दंड मिलना चाहिए। जी जी। अच्छा, थोड़ा सा ये और जानना चाहेंगे कि सीमा हैदर ने जैसे हिंदू धर्म अपनाया है और कई वीडियोज हमने देखे हैं जिनमें वो पूजा पाठ करती हुई नजर आई है, तो क्या सीमा और सचिन मंदिर तो जाते होंगे ना पूजा करने? नहीं जी, मंदिर नहीं जाते, मंदिर नहीं जाते, अपने घर पर ही करते हैं जो भी कुछ करते हैं। मंदिर तो दूर है काफ़ी घर से, मंदिर जाते ही नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलते। अच्छा। कभी गली में भी नहीं निकलते वो। तो मोहल्ले वालों से संपर्क कटा हुआ है, मोहल्ले वाले भी घर में एंट्री ना कर सकते सर? नहीं, अभी कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता है। अच्छा। कोई भी नहीं। अच्छा, जैसे सीमा और सचिन है, इसमें तीन लोग आरोपी बनाए गए थे, सचिन के पाप में जो पापा हैं उन्हें भी आरोपी बनाया गया था, तो वो तो जाते होंगे ना घर से बाहर, या वो भी घर में रहते हैं? नहीं, वो तो घर से बाहर जाते हैं जी, सौदा को, सब्जी को, साग के लिए वो तो जाते हैं बाहर, उनके लिए तो कोई ऐसी बात अच्छा, नहीं। अब थोड़ा सा जो सवाल हमारा वो महत्वपूर्ण सवाल ये था कि पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा है कि सचिन के घर में जो आर्थिक तंगी आ चुकी है, क्योंकि सचिन का जो कमाई थी, जो भी मजदूरी करता था, वो मजदूरी बंद हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि घर का खर्च कैसे चल रहा होगा? अब देखो जी, ये तो ये थोड़े से पैसे मिलते थे सचिन को पहले भी जब काम करता था, सकते हैं ये तो यही लोग जान सकते हैं कैसा खर्च चल रहा है, कैसा कर रहे हैं वो, कभी मदद ली हो, उधार ला रहे हैं, पड़ोस से कभी उधार मांगे हो? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वैसा उधार नहीं मांगते, वैसा कुछ नहीं, ये तो कर्ज करके ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो वो जान सकते हैं, उसके बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते कहाँ से पैसा आ रहा, कहाँ से खा रहे हैं। भाई उनका काम धंधा तो सारा ठप पे बंद है इस टाइम पे, लेकिन वो तो वो ही जान सकते हैं। अच्छा, ये सचिन काम क्या करता था पहले? ये सचिन तो एक किराने की दुकान पर रहता था जी, रबूपुरा में ही, रबूपुरा में, रबूपुरा में। अच्छा, रबूपुरा में किराने की दुकान पर रहते थे। हाँ। तो वहीं से जो मिलते थे उन्हीं से अपना खर्चा चला रहा थे, उनसे खर्चा चलाते थे, भाई अलग कमाता था, पिताजी अलग काम करते थे बाहर रह रहे हैं हरियाणा में। ये दो भाई हैं? नहीं, तीन है। तो तीसरे भाई कहाँ रहते हैं? तीसरा भाई छोटा, अभी कुछ करने लायक नहीं है। अच्छा। कुल मिलाकर इनके जो परिवार में कमाने वाले हैं वो सचिन है और सचिन के पिताजी हैं बस दोनों, लेकिन सचिन पिछले काफ़ी दिनों से घर में ही रह रहा है, घर से बाहर निकलने की शायद मुझे लग रहा है कि अनुमति नहीं है, तो सचिन के पिता ही बाहर मजदूरी कर कर अपने घर का खर्च चला रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में परिवार पर क्या बीत रही होगी, जो लगातार मीडिया ट्रायल हुआ है, लगातार जो मीडिया ट्रायल के बाद जैसे उन्हें डिप्रेशन में आए हैं, जिस तरह से सचिन के लिए अपशब्द बोले गए हैं उसको लेकर भी सवाल है, और जिस तरह से मीडिया ट्रायल बेवजह का हुआ है उस पर भी सवाल है, और इन सभी के वजह से जो सचिन है वो अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि इस मामले में अभी और लोगों की हम राय लेंगे और जानना चाहेंगे कि इस मामले में उनका क्या कहना है, क्या सचिन की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहद बिगड़ चुकी है, या अभी परिवार का जो खर्चा है वो नॉर्मल तरीके से चल रहा है। तो अभी और लोगों से हम बात करना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई हमारे सवालों का जवाब दे। जी भैया, भैया भैया भैया, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी भैया, हम यहीं के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक मीणा। दीपक मीणा, मतलब मीणा समाज से हैं आप? हाँ जी, मीणा समाज से हैं। अच्छा, मीणा समाज के बारे में हमने सुना है कि मीणा समाज भी दो पक्षों में बट गया, कुछ सचिन और सीमा के साथ हैं, कुछ अलग हो चुके हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक जगह ही है। अच्छा, पूरा मीणा समाज एक जगह है? हाँ जी, पूरा मीणा समाज एक जगह ही है। अच्छा, हमने ये भी प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सचिन के लिए लप्पूसा और झिंगुर बोला गया है, तो इसको लेकर मीणा समाज क्या सोचता है? अब देखो, उनने उल्टा सीधा बोला, गलत बोला है। अच्छा, अब जो लप्पू सचिन बोलने वाली महिला हैं उनके ऊपर भी नोटिस जारी हुआ है, ये हमने सुना है, और हालांकि नोटिस देखा नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ एक नोटिस जारी हुआ है, तो नोटिस जारी होने को लेकर समाज में किस तरह की वार्तालाप है, किस तरह का माहौल है, आपसी चर्चा होती होगी? हाँ, आपसी चर्चा तो इतने में, हमें तो इतनी जानकारी ना है, दुकान पर रहते हैं, और वो जो उन्हें नोटिस करा उनका वकील है, वो जानकारी करेगा मामले में। जी, अच्छा, मोहल्ले का माहौल कैसा है इस समय, शांत है एकदम या कोई हलचल है? नहीं, सही सही है, अपना मोहल्ले का शांत है। अच्छा, सीमा हैदर को लेकर आप या सचिन को लेकर आप ये बताना चाहेंगे कि इस समय जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो कैसी है? अब तो सही है जी। कमाई का जरिया क्या है? कमाई का जरिया कि सचिन घर से बाहर नहीं निकल रहा पिछले काफ़ी समय से, भाई कमाने वाला था, मजदूर था, और घर से बाहर नहीं निकल रहा, तो घर का खर्चा कैसे चल रहा होगा? घर का खर्चा देखो, मोहल्ले पड़ोस के जो भी हैं, भाई हैं हमारे, बड़े बड़े भाई हैं, हम तो खैर इतना ना कर सकें। हाँ हाँ। आपस में जो आपस में बैठ के 10-15 जने जितने पे पैसा हेल्प हो जावे, हाँ, मतलब कुल मिलाकर सहयोग कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि जो सीमा और सचिन है उनका जो परिवार वाले हैं, जो मोहल्ले वाले हैं, वो सहयोग कर रहे हैं। भैया, आप उसी मोहल्ले के हो या थोड़ी दूरी पर हो? हम तो उसी मोहल्ले से हैं, पर थोड़ा हटके, हमारे घर से ज़्यादा हटके भी ना है। हाँ, हालांकि गांव देहात में कोई मोहल्ले इतनी बड़े मायने नहीं रखते, शहरों में तो मोहल्ला बड़ा मायने रखता है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं सर?
रघुपुरा के रहने वाले हैं? रघुपुरा के रहने वाले। अच्छा, मीणा समाज से हैं, अलग हैं? मीणा समाज से हैं। आप भी मीणा समाज से ही है। तो दोस्तों, इत्तेफाक की बात है कि आज हमने अभी तक तीसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं और ये तीनों ही मीणा समाज के हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि हमने सुना था कि मीणा समाज में एक महिला को लेकर रोष है जिन्होंने सचिन को झींगुर सा लप्पू सा बोला है, तो ऐसा कुछ है? देखो, बोला तो उसने गलत ही भाई, किसी आदमी को अपनी तरफ भी देखना चाहिए, ऐसी तो कोई बात नहीं ना जैसी वो कह रही है। पर ये देखो अपनी समझ है, बाकी समझ है वो क्या कह रही है। फिलहाल जो होगा यहाँ पे तो कोई ऐसी बात है नहीं। अच्छा, माहौल जो एकदम शांत है या कोई डर का माहौल है मोहल्ले में? नहीं, डर का कोई माहौल ना, शांत है यहाँ तो। अच्छा, जिस तरह से मीडिया ने ट्रायल करा था, मीडिया की गाड़ियाँ भर भर करा रही थी, रिपोर्टर्स दिन भर वहाँ पर लगे रहते थे, तो अब तो मीडिया की गाड़ी नहीं आती क्योंकि जब वो घर से बाहर ना निकल लेते? नहीं, अब नहीं आ रही मीडिया की गाड़ी, अब तो कभी कभार आ गई है ऐसे जैसे आप आ गए, अब ऐसे वैसे नहीं आ रही। मतलब कोई कोई इक्का दुक्का आ जाता है? इक्का दुक्का आ जा। अच्छा, हमने दो लोगों से बात की अभी तक, आप तीसरे लोग जिनसे हम बात कर रहे हैं, और जैसे सचिन और सीमा घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी या मतलब कोई ऐसी कोई समस्या आपके सामने आई है कि भी जिसमें ये बताया गया हो कि आर्थिक स्थिति बेकार है या अभी जो घर का खर्चा है वो नॉर्मल चल रहा है? देखिए, अभी वैसे जैसे घर से बाहर ना निकल रहे हैं, कमाने धमाने न जा रहे हैं, वो तो बात आपकी सही है, परेशानी से थोड़ी बहुत हो गई हैं। फिलहाल जो का ये है कि भाई घर परिवार वाले उनकी थोड़ी बहुत मदद करते हैं, वासु जो भाई उनको काम चल जाए ऐसी बात ना है। और फिर अब ना निकल, दो महीना से तो पहले भी तो उन्होंने कुछ कमाया होगा, चलो दो महीना से ना निकलने, पहले भी तो कुछ कमाया होगा, मतलब पहले की जो सेविंग कर रखी है वो अब काम आ रही होगी, वो अब काम आ रही होगी। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल ये हो रहा है कि सीमा और सचिन को लेकर मीणा समाज क्या सोच रहा है? देखिए, मीणा समाज क्या सोच रहा है, हम तो ये कह रहे हैं यहाँ की तो जनता ये सोच रही है भाई, जैसे कि हल्ला मचा रहे हैं कि जासूस है वो है भाई, एजेंसी काम कर रही है इस पर। हम तो ये चाहते हैं अगर जो भाई जो जाँच में ये अगर सही निकलती है तो अपनो जब प्यार में आई है ही। हाँ जी। और अगर ये है कि भाई एजेंसी ये कहती है ना जासूस है, तो भाई गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपनो काम करे जी। कुल मिलाकर मीणा समाज का भी साफ तौर पर ये कहना है कि अगर जांच में सीमा हैदर जासूस पाई जाती है तो जो कानून है वो अपनी तरह से काम करे, अगर ये जासूस नहीं पाई जाती है तो इन्हें इज्जत से इनके घर में सचिन के पास रहने दिया जाए। तो दोस्तों, फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें।